केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नई दिल्ली में शराब नीति घोटाले की जांच कर रही ईडी के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 27 अप्रैल तक बढ़ा दी है। शराब घोटाले मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को अदालत से एक बार फिर झटका लगा है। साउथ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की कस्टडी को 27 अप्रैल तक बढ़ा दी है। वहीं ईडी ने कोर्ट से कहा है कि वो इस महीने के अंत तक मामले की चार्जशीट दाखिल कर देगी। आज दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो गई थी, जिसके बाद उन्हें आज एक बार फिर अदालत में पेश किया गया था। दिल्ली के कथित आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को हिरासत में लिया था। मनीष सिसोदिया से लंबी पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था। मनीष अभी तिहाड़ जेल में बंद है। ईडी शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। बीते 5 अप्रैल को कोर्ट ने ईडी को मनीष सिसोदिया की हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ाई थी। वहीं इस मामले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बीते रविवार को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से लगभग 9 घंटे की लंबी पूछताछ की थी। केजरीवाल ने खुद बताया था कि सीबीआई ने उनसे कुल 56 सवाल पूछे थे और आबकारी नीति से जुड़े हर छोटे और बड़े सवाल उनसे पूछे गए थे। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, चैनल का सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तुम का ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।